तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं लाल चौराई की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और टेस्टी के साथ दोस्तों हेल्दी भी है। अगर आपके बच्चे साग खाना नहीं पसंद करते हैं तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, आपको बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ तक कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये रेसिपी पसंद आने वाली है। ट्राई कीजिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गैस ऑन कर लीजिए और लोहे की कढ़ाई में यहाँ मैं बना रही हूँ, आपके पास है तो जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा। 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल को बहुत अच्छे से धुएं आने तक गर्म कर लेंगे। सूखी मिर्ची हमने 2 ऐड की हूँ, बीच से थोड़ा तोड़ ली हूँ। लहसुन 1 पोटली ऐड कीजिएगा, छील लीजिएगा और उसको बारीक कट कर लीजिएगा। मिर्ची अपने स्वादानुसार ही रखिएगा। हमने थोड़ा सा सूखी मिर्ची ऐड की हूँ और थोड़ा सा हरी मिर्ची ऐड की हूँ। यहाँ हमने 6 से 7 प्याज ली हूँ, छोटे छोटे प्याज थी। अगर दोस्तों आपके पास मीडियम है तो आप 4 प्याज ले सकते हैं और उसको छिलकर धुलकर बारीक कट कर लीजिएगा और पतले पतले स्लाइस में कट कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे से भूनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम लो है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसकी वजह से एकदम काले हो गए कढ़ाई। तो अब थोड़ा सा हाई यानी बढ़ा लेते हैं और इसको लाल होने तक हम भूनते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट में हमने भूना था, बहुत अच्छे से भून चुकी है। आपको उतना भी नहीं भूनना है कि एकदम ब्राउन कलर हो जाए, अब मीडियम में ही भूनिएगा। इधर चलिए हम अपना लाल यानी लाल चौराई लाते हैं दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है, ट्राई कीजिएगा। और बहुत अच्छे से हम इसके जड़ यानी तने अच्छे से साफ कर ली हूँ, इसकी पत्ती को निकाल ली हूँ और अच्छे से धुल कर बारीक कट कर ली हूँ। पत्ती ही इसमें ऐड कीजिएगा, डंठल नहीं। और यहाँ पर गौर से देखिए दोस्तों, हमारे साइड में गिर रही है, ठीक है? तो उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं, उसको उठाकर अच्छे से धुल कर इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो अभी तो जितना गिर रहा है उसको गिरने देते हैं, सारे ऐड करने के बाद उठा लेंगे, ठीक? अब यहाँ पे आपको खूब ज़्यादा दिख रहा होगा, कढ़ाई छोटी नज़र आ रही है और सब्जी ज़्यादा, बट बाद में देखिएगा 2 मिनट बाद बहुत ही कम हो जाएगा, कढ़ाई हमारी बहुत ही बड़ी हो जाएगी और सब्जी एकदम उसमें लुका छिपी करेगा। तो चलिए पहले अच्छे से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा जगह बने दूसरा ऐड करने के लिए। तो प्याज को जल्दी से ऊपर नीचे कर लीजिए, नहीं तो नीचे रहा प्याज ना तो वो जलने का पूरा चांस है। तो अभी थाली में थोड़ा बाकी है, क्योंकि जगह नहीं था ना तो हम जगह बना रहे थे ऊपर नीचे करके। तो दोस्तों, एक बार इस तरीके से सब्जी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत ही प्रोटीन, आयरन, विटामिन से भरपूर है। और सब्जी अपने स्वादानुसार नमक ऐड कीजिएगा, यानी नमक ऐड कीजिएगा सब्जी में। तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हूँ कि ये सब्जी में पानी बहुत रिलीज होगा, तो उसी हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कम ही ऐड कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी के मात्रा को देखते हुए लोग नमक ऐड कर लेते हैं, बाद में पानी रिलीज होने के बाद कम हो जाता है तो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से ही नमक ऐड कीजिएगा। नमक कम भी होता है ना दोस्तों तो चलता है, हम बाद में नमक ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सब्जियों में नमक अच्छे से मिले, ताकि जल्दी से पानी रिलीज हो जाए। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद, रेसिपी पसंद आने पर प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कितने लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है। तो अच्छे से मिक्स कीजिए, ठीक है? मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे। तो यहाँ पे पानी रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। गैस की फ्लेम मैं स्टार्टिंग में हाई की हूँ ताकि जल्दी से पानी रिलीज हो जाए, क्योंकि जब मैं रेसिपी बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मॉर्निंग के टाइम दोस्तों टिफिन वगैरह पैक करना होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा, फिर धीमी गति पे हम इसको पकाएंगे।
जल्दी से पानी रिलीज हो जाएगा ना। तो देखिए अब नीचे धीरे धीरे कढ़ाई हमारी बड़ी हो रही है और सब्जी हमारी बहुत ही छोटी हो रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको ढक देते हैं और 2 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आपको लगे तो बीच में आप चला लीजिएगा। तो 2 मिनट हो गया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से सब्जी में पानी रिलीज हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो बीच बीच में सब्जी को अच्छे से चलाते हुए आप पकाइएगा। यहाँ पे देखिए अब जितना पानी रिलीज हुआ है ना, उसको हमें धीमी गति पे पका कर एकदम अच्छे से सुखा लेना है। तो यही सब्जी हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। जिस सब्जी में, हरी सब्जी में पानी रिलीज होता है ना और उसको हम धीमी गति से पकाते हैं, तो वही सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कलछी से इसको अच्छे से दबा दबा कर चलाइएगा दोस्तों, बीच बीच में ना अच्छे से दबा कर चलाइएगा जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से प्याज लहसुन और सब्जी हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत चौड़ाई बड़ी बड़ी कटी हो तो वो भी एकदम अच्छे से मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चौड़ाई को कट नहीं करते हैं, ऐसे ही पत्ती बस निकाल कर ऐड करते हैं, बट मैं भी नहीं कट करती थी, बट पत्ती बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा बड़ा था और हमें देर हो रहा था, सुबह की टाइम था तो टिफिन वगैरह पैक करना होता है, तो उस हिसाब से हमने कट कर दिया कि उस तरीके से ज़्यादा टाइम हमें बहुत ही मिक्स करके चलाना पड़ेगा बार बार, तो यहाँ पे मैं कट कर दी। तो चलिए इसको ढक देते हैं, फिर 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो बीच में लगे आपको तो चला चला लीजिएगा हटा हटा कर। तो 3 मिनट हो गया है, यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से सूख गया है। 3-4 मिनट दोस्तों लग जाएगा, क्योंकि ये हरी सब्जी है और हमने आपको शुरू में ही कहा है कि धीमी गति से पकाना है, तो बस आपको उतना ही पकाना है, एक टाइमिंग नहीं बता सकती, 3 से 4 मिनट लग सकता है। लो फ्लेम पे आपको पकाना है या पानी सूखने तक पकाना है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी साग कैसी है, ठीक है। कई तरीके की साग होती है और दूसरी बात है कि आप कितने मात्रा में बना रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कम बना रहे हैं तो उसी हिसाब से प्याज ऐड कीजिएगा, मिर्ची ऐड कीजिएगा, ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हर मात्रा को बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे सब्जी हमारा बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसके सर्विंग पे चलते हैं और सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। यानी मैं इसी बर्तन में दोस्तों निकाल रही थी, तो मैंने कहा कि अब इसी तरीके से वीडियो में दिखा दूँ। हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे हैं, न्यू सब्सक्राइबर भी अच्छे ही हैं, क्योंकि जब वो हमें सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा और हमारे चैनल में आएंगे, हमें कमेंट करेंगे तभी तो हमसे जुड़ेंगे और हमें पता चलेगा कि वो हमारे रेसिपी के बारे में क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग ऐसे सब्सक्राइबर हैं कि हमें शुरू से एंड तक हमारे यानी कमेंट में आते हैं। तो एक है अनीता कुमारी जो हमारा पूरा फुल सपोर्ट करती हैं, एक है रोली कुमारी जो हमारा फुल सपोर्ट करती हैं, और भी लोग हैं जो हमें बहुत ही सपोर्ट देते हैं, बहुत ही सपोर्ट देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारा आप भी सपोर्ट दीजिए ताकि हमारा वॉच कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों।